सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पतंजलि आयुर्वेद के प्रमोटरों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की, ताकि आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाले भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए उनकी माफी की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। जबकि दोनों ने व्यक्त किया कि आचरण के लिए खेद है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संकेत दिया कि दोनों को अभी भी खेद नहीं है। रामदेव को अदालत से आज भी माफी नहीं मिली। अब रामदेव को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को एक हफ्ते का समय और दिया है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिले कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर गंभीर हैं। पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसके लिए आपको हमारे सलाह की जरूरत नहीं। जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है, क्या वो सही है? इस पर बाबा रामदेव ने कहा, जज साहिबा, हमें इतना कहना है कि जो भी हमसे भूल हुई है, उसके लिए हमने बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह तो आपके वकील ने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सोच कर की। हमारे देश में आयुर्वेद बहुत प्राचीन है, महर्षि चरक के समय से है, दादी नानी भी घरेलू इलाज करती हैं। आप दूसरी पद्धतियों को बुरा क्यों बताते हैं? क्या एक ही पद्धति रहनी चाहिए? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमने आयुर्वेद पर बहुत रिसर्च किया है। तो जज ने कहा कि ये ठीक है कि आप अपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपने इस कोर्ट की अवहेलना क्यों की। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून का ज्ञान कम है, हम सिर्फ अपनी रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे, कोर्ट की अवहेलना का उद्देश्य नहीं था। फिर जज ने कहा कि आप लाइलाज बीमारियों की दवा का दावा करते हैं, कानूनन ऐसी बीमारियों की दवा का प्रचार नहीं होता। अगर आपने दवा बनाई तो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक उसे सरकार को बताते, उस पर आगे काम होता। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि हम उत्साह में अपनी दवा की लोगों को जानकारी दे रहे थे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरह खड़ा होना मेरे लिए भी अशोभनीय है, हम भविष्य में पालन करेंगे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि आगे आपको एलोपैथी को बुरा कहने की जरूरत नहीं थी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसे करिए, दूसरों पर क्यों कुछ कहना। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष लंबा है, हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। जस्टिस कोहली ने कहा कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि आपके वकीलों के कोर्ट में अंडरटेकिंग दाखिल करने के बाद भी आपको कानून का पता नहीं चल पाया, इसीलिए हम ये देखेंगे कि आपके माफीनामे को हम स्वीकार करें या नहीं। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। बाबा रामदेव और बालकृष्ण के वकील रोहतगी ने कहा कि एक सप्ताह का समय दीजिए, इस बीच हम जरूरी कदम उठाएंगे। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि ठीक है, हम 13 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। अवमानना के आरोपियों ने खुद कुछ कदम उठाने की बात कही है, हम इसका अवसर दे रहे हैं। रामदेव को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।